एंड आखिर इस बार जो 2024 का पहला है, इसका क्या असर होने वाला है, क्या इसमें हमें देखने को मिल सकता है, इस सब कुछ पहले आप बताइए। सबसे पहले तो समझना सूर्य ग्रहण है क्या, एक भौगोलिक घटना, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जो रेगुलर इंटरवल पे होती है। जब वो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक एक्सिस के एक धुरी पे आ जाते हैं, 180 डिग्री पे आ जाते हैं, तब ग्रहण की स्थिति बनती है। और सूर्य ग्रहण के समय वो पृथ्वी के इर्द गिर्द जब चंद्रमा रोटेट करते हैं तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाते हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ऑर्बिट का, उसको हम राहु और केतु बोलते हैं, नगर हेमिस्फीयर में राहु बोला जाता है और सदर हेमिस्फीयर केतु। तो ये एक्सिस के प्रभाव से हम पृथ्वी तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाते। और सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है, 50 सालों के बाद इतना बड़ा सूर्य ग्रहण, इसकी अवधि तकरीबन 5 घंटे 10 मिनट के आसपास की रहेगी। और एक ऐसी स्थिति आएगी जब दिन दिन ग्रहण होकर, क्योंकि प्रशांत महासागर से ये प्रारंभ होगा, दक्षिण प्रशांत महासागर से अमेरिका में देखा जाएगा, कनाडा में देखा जाएगा, इंग्लैंड में देखा जाएगा, वहां पे दिन के समय रात का अनुभव होगा, क्योंकि पूरा टोटल सोलर एक्लिप्स का प्रभाव रहेगा। और ऐसे में क्या होता है कि जो नकारात्मक किरणें होती है सूर्य की, वो प्रबल हो जाती है, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट गामा रे, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट करता है हमारी आई पर, इसलिए नेगेटिव आई से सूर्य ग्रहण देखा नहीं जाता है। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं बनता, सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है, यहाँ पे समय रात्रि का काल रहेगा, इसलिए मान्य नहीं है। लेकिन फिर भी राशियों का प्रभाव रहता है, एक ही सूर्य है, हम लोगों को ऊर्जा रहने से मिलती है, ज्योतिष में आत्मा का पिता का कारक माना जाता है। विशेष प्रभाव हम सारी राशियों को देखने को मिलता है, व्यापक रूप से वेजिटेशन के ऊपर, जानवरों के ऊपर, सबके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। जब अंधकार छा जाता है तो पशु पक्षी भी अपना रास्ता भूल जाते हैं, वो भी बेचैन हो जाते हैं, इससे हमेशा देखने को मिलती है। अच्छा नीति जी, क्या इसका समय भी कुछ आप बता सकते हैं कि किस समय पर ये दिखने वाला है? जैसा कि आपने कहा कि भारत पर तो इसका असर, जैसा आप बता रहे हैं, कि नहीं होने वाला है, लेकिन अब क्योंकि जो लोग सूर्य ग्रहण के बारे में सुन पड़ रहे हैं और इस वक्त जो हमें लाइव भी देख रहे हैं, उनके मन में जरूरी होगा कि उसका टाइम क्या होने वाला है और कितने मिनट तक इसका असर दिखने को मिलेगा, ये भी आप बता दीजिए। देखिए, भारत में सूर्य ग्रहण रात को 9:12 के कारण अगर मध्यकाल 11:47 तक रहेगा और 2:22 मध्य रात्रि, यानी कि 9 अप्रैल को, जिस दिन आगे नवरात्रि भी है, 2:22 तक रहेगा, पूर्ण अवधि भी रहेगी, 5:10 तक रहेगी। इसी समय में सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है, जब चंद्रमा सूर्य की युति होती है, और जो चंद्र ग्रहण होता है हमेशा सूर्य राशि को लगता है, अदित्य की अवस्था। लेकिन क्योंकि भारत में इसको डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, तो सूतक काल जो है वो मान्य नहीं है। सूतक काल 12 घंटे पहले लगता है नॉर्मली, और इसमें कोई भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, मंदिरों की कपाट बंद हो जाते हैं, कोई भी पूजा नहीं की जाती, स्नान नहीं किया जाता, शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन एक अक्सर की भी बात होती है, ग्रहण के समय आप जितना मंत्र जाप और ग्रहण के उपरांत जो आप दान करते हैं, आपकी कुंडली में अगर राहु केतु के दोष है, पितृ दोष है, सार पर भी दोष है, सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली में लगा हुआ है, सूर्य राहु केतु एक्सिस में है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट इन जातकों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रसित है। तो इससे आप सूर्य की पूजा आराधना जाप से उसकी जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी को कम कर सकते हैं। अच्छा नीति जी, क्योंकि अब समय की भी अगर बात करें तो अब बस एक दिन के बाद हम ऐसे देखेंगे कि नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो क्या ऐसे वक्त में सूर्य ग्रहण का होना, क्या कोई और विशेष पूजा अर्चना इसमें की जा सकती है या फिर कुछ और इससे जुड़ा हुआ आप बता पाएंगे? विशेष पूजा ग्रहण के समय, जैसे सूर्य ग्रहण है तो सूर्य के बीच मंत्र का आपको जाप करना है, ओम राम ओम सह सूर्य नमः, या गायत्री की उपासना, ओम भूर भुवः स्वः जितना हो सके जाप करें। आदित्य स्तोत्र शास्त्रों में लिखा गया है, बहुत ही प्रभावशाली उपाय रहता है आदित्य स्तोत्र का, सूर्य अस्तम का जाप कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है तो अपने गुरु मंत्र का अवश्य जाप करें। राहु केतु का भी जाप विशेष लाभ देता है, क्योंकि राहु के दृष्ट होने के कारण ही सूर्य को और चंद्रमा को ग्रहण लगता है। इसके पीछे एक आध्यात्मिक कथा भी है कि कैसे अमृत मंथन के समय जब
एक राक्षस ने अमृत का पान कर लिया था, तो राहु और केतु ने उससे पहचान के भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार में थे उनको बताया, और ऐसा करने पर भगवान विष्णु ने क्रोधित आकर उस राक्षस का गला काट दिया। तो जिस स्तर का भाग है वो राहु बन गया और जो घर का भाग है वो केतु बन गया, लेकिन क्योंकि राक्षस अमृत पान कर चुका था इस वजह से आज भी सूर्य चंद्रमा के कहने पर क्योंकि भगवान विष्णु ने इनका गला काटा, तो ये ग्रहण हमेशा सूर्य चंद्रमा को लगता है। तो एक आध्यात्मिक कथा है, मैंने आपको बताया। तो दान पुण्य और जाप का विशेष महत्व है, यह एक ऐसा अवसर है कि आपको इस समय पूजा दान करने से और मंत्र जाप करने से जो पावर है उसकी वो 100 गुना बढ़ जाती है। इससे दूसरे गलत है कि त्रिदोष या सूर्य गणित दोष और राहु केतु गणित दोष है, उनको भी शांति प्राप्त होती है। अच्छा, एक बड़ी ये तो बहुत दिलचस्प कहानी है मुझे लगता है जो आपने बताई, और बहुत कम लोगों को ये पता होगी। इवन मुझे भी बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पता था, मुझे सिर्फ हमेशा से ये पता लगा कि सूर्य ग्रहण होता है फिर इसमें आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। और उसी में एक पॉइंट हमेशा से हम सुनते आए हैं कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो गर्भवती महिलाओं को जो जिनका भी प्रेगनेंसी का टाइम होता है उन्हें ज्यादा केयरफुल रहना होता है, बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहा जाता है कि उन महिलाओं पर विशेष कृपा भी हो सकती है अगर वो सूर्य ग्रहण के समय में कई सारी ऐसी चीजें होती है जिससे फॉलो कर ले, इसके बारे में आप कुछ और बता पाए तो। जी बिल्कुल, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। जब भी एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो कहीं ना कहीं आत्मा को देह का रूप दे रही होती है, तो इसलिए इसको आध्यात्मिक रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इस समय प्रबल हो जाती है, और जो मेरे ग्रीन हाउस इफेक्ट इस समय इफेक्टिव होता है, और सूर्य की जो विजिबल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही होती है चंद्रमा के आगे आने से, और नेगेटिव ऊर्जा का आपके शरीर में, देखिए मैं और आप हवा को देख नहीं सकते हैं लेकिन ये नहीं सकते कि हवा के बगैर हम इस सेकंड भी रह सकते, तो जो अप्रत्यक्ष है जिसको हम अपनी नेकेदाई से नहीं देख सकते उसका प्रभाव चीजों से ज्यादा होता है। तो वही जो रेंज है उनका नेगेटिव इफेक्ट होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए शास्त्र में विशेष नियम बताए गए हैं, क्योंकि जब ग्रहण लगता है तब कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि आपको मानसिक अवसाद की स्थिति, मेंटली आपके एंग्जाइटी के इश्यूज आने लगते हैं, तो गर्भवती महिलाएं थोड़ी वल्नरेबल कंडीशन में होती है, तो इसलिए उनको इस समय ध्यान और जाप करना चाहिए। साथ साथ कुछ भी भाग या व्यक्ति जैसे कि कैंची टिफिन में लाइट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस टाइम पे इनको खाने का सेवन यानी कि भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, जितना हो सके सात्विक रहे और हो सके तो जागी रहे, सोए ना, और आराम से बैठ कर अपने बेड में अपने शयन कक्ष में बैठ के आप मंत्र का जाप करें, भगवान सूर्य के मंत्र का जाप करें, राहु केतु के मंत्र का जाप करें, गायत्री का जाप करें, या आपने जो भी मंत्र साथ रखा है उसका आप जाप करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के समय न स्नान करने न कोई कार्य करने, उनको मतलब अपने रूम में आराम से बैठना है, टेलीविजन देखना भी इस समय वर्जित माना जाता है। जितना हो सके आप मेडिटेशन में ध्यान करके अपने स्थिति को सकारात्मक ऊर्जा के साथ उसको सूचित करें, ये बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात। एक बहुत बड़ी बात आपने ये भी बताई कि ऐसे समय पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी कि आप अपने रूम में आराम से बैठिए, आपको इवन टेलीविजन भी नहीं देखना है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, क्योंकि ये तो हम हमेशा से सुनते आए हैं बाहर नहीं जाना है, सूर्य को देखना नहीं है, डायरेक्ट आप किरणों को ना देखें आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन ये बहुत नई बात है कि टेलीविजन भी आपको नहीं देखना, यानी कि आप आराम से बैठिए और ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करिए। अच्छा नीति सर, आपसे दूसरा सवाल। बिल्कुल मजबूत नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है, ये मेडिटेशन करता है इतना प्रयास हो सके इतना करें, और अगर भोजन ग्रहण करने की स्थिति है तो उसमें तुलसी का पत्र डाल के, थोड़ा तुलसी के पत्ते डाल के ही ग्रहण करें। तुलसी के पत्ते में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, खाना ठीक नहीं होता सूर्य की नकारात्मक किरणों से। ठीक है, मैं आपसे दूसरा कोई सवाल पूछूं, लेकिन इस वक्त जो लोग हमें इस लाइव को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं आपके क्वेश्चंस का जो जवाब आप जानना चाहते हैं वो जरूर नीति जी से पूछूंगी। इसीलिए आप कमेंट करके बताइए कि आपके क्या सवाल हैं सूर्य ग्रहण से जुड़े हुए, कोई भी कंफ्यूजन ऐसा आपका, या फिर आप अपनी राशि के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए और उसका जवाब भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि दान पुण्य इसमें बहुत अहम माना जाता है, तो क्या दान पुण्य को लेकर क्या किया जाना चाहिए, दान उसका भी सही तरीका क्या हो सकता है और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दान का तो विशेष महत्व होता ही है,
और अगर जैसे आपके घर में कोई रोगी है तो उनके लिए तो अवश्य दान करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, या इन दोनों भी आप दान कर सकते हैं। गेहूं को सूर्य का तारक माना जाता है, गेहूं गुड़ चने की दाल, तांबे का पात्र मेगा आप ले सकते हैं, वो दान में दे सकते हैं। साथ साथ देसी घी का दान भी बहुत सुखकारी होता है। ऑरेंज कलर के कपड़े आप किसी भी पुजारी के लिए दान में दे सकते हैं। अन्न का दान जितना हो सफेद वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी गुड़ आटा शहद ये मुख्य रूप से चने की दाल मानी जाती है कि विशेष लाभ मिलता है। ये दान आपको सूर्य ग्रहण के उपरांत ही करना है, उससे पहले नहीं करना है। और गंगा जल के दान से भी अपने आप को गंगा जल से स्नान करके घर को गंगा जल की सीटें डाल के या गौमूत्र की सीटें डाल के आप शुद्ध करिएगा। और उसके बाद इस दान को आप एक लाल मोली से, अगर आपको बहुत ज्यादा नजर दोष या बाधाएं हैं तो अपनी लेंथ के बराबर, अपनी बॉडी की लेंथ के बराबर का तलावा लेके ये दान को एक मोली से लपेट दीजिएगा। साथ साथ एक नारियल के ऊपर भी आप मोली को लपेट के इस दान को किसी भी सूर्य मंदिर या सूर्य रंग से भगवान राम को कहा जाता है, हनुमान राम के मंदिर में हनुमान जी के समक्ष आप देकर है और उसको विशेष लाभ उठाएं। अच्छा, क्योंकि आपने भी ये बताया कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, वहां पर पूजा नहीं होती है, तो वो लोग जो अगर मंदिर पूजा करने, क्योंकि शाम का समय होता है यूजुअली सबके घर में पूजा पाठ होता ही है, तो क्या सूर्य ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण जिस दिन होता है उस दिन आपके घर पर भी आपको जोत नहीं जलानी चाहिए, अगरबत्ती नहीं करनी चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए? देखिए, सूर्य ग्रहण का क्योंकि डायरेक्टली प्रभाव भारत में नहीं है, सीता काल नहीं लग रहा है, तो आप इस संकोच होकर पूजा भी कर सकते हैं, ज्योत भी जला सकते हैं, मंदिर के कपाट बंद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यदि लग रहा होता तो 12 घंटे पहले सीतक लग जाता है, ऐसी स्थिति में मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं। और जाप आप मानसिक जाप कर सकते हैं, लेकिन पूरा अनुष्ठान जो है क्रियाओं को, कर्मकांड की क्रियाओं को सीतकाल से लेकर सूर्य ग्रहण के अंत तक वो वर्जित माना जाता है, लेकिन क्या भारत में आप पूजा अनुष्ठान सब कर सकते हैं। क्या छोटे बच्चों के लिए कुछ खास इसमें सलाह दी जाती है, जहां पर भी इसका असर दिख रहा है, जो लोग भी इस वक्त हमें देख रहे हैं वो जरूर जानना चाहते हैं, जैसे आपने गर्भवती महिलाओं के लिए बताया और कैसे लाभ और मिलता है दान पुण्य करने से वो बताया, तो क्या छोटे बच्चों को लेकर भी कुछ इस तरीके का होता है जो बहुत ध्यान में रखना होता है? नहीं, ऐसे तो कोई विशेष चीजें नहीं है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि ग्रहण को कहीं ना कहीं एंजाइटी इश्यूज आते हैं, एंगर इश्यूज आते हैं, तो ये बच्चे और थोड़ा टेम्परामेंट होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि घर में एंजाइटी इश्यूज, एंगर इश्यूज बच्चे को ना आए, इनको थोड़ा कूल डाउन करिए, क्योंकि ग्रहण के प्रभाव से थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस जरूर होते हैं, हम लोग भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। ज्यादा से ऐसे छोटे बच्चे को आप, आजकल के बच्चे हमारे संस्कार है, उनको हम देते हैं तो गायत्री मंत्र आप बच्चे को बोलिए कि सूर्य ग्रहण के समय कम से कम एक माला एक वन पर मानसिक जाप बच्चे जल्दी करें, ताकि सूर्य का विशेष प्रभाव उनके लिए। ठीक है, अच्छा, अब मैं राशियों के बारे में थोड़ा सा और आपसे जानना चाहती हूँ कि क्योंकि हर बार जो भी ग्रहण होता है वो कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा साबित होता है और कुछ को बहुत ख्याल रखने की उस ड्यूरेशन में बहुत जरूरत होती है, तो क्या हम थोड़ा सा स्पेसिफाई करके नाम बता सकते हैं उन राशियों के जिनके लिए इस बार का सूर्य ग्रहण अच्छा है या जिन्हें बहुत ख्याल रखने की जरूरत है? बिल्कुल, अभी तो सूर्य ग्रहण इस बार मीन राशि में लग रहा है, मीन राशि गुरु प्रधान राशि है और रेवती नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में लग रहा है, तो दोनों ही राशियों का ग्रहों का प्रभाव रहता है। गुरु क्योंकि कहीं ना कहीं विषम का कारक है, मीन राशि जल सत्व राशि है, तो जल से संबंधित समस्याएं जो विश्व रूप से देखने को मिलेंगी, जैसे सुनामी जैसी स्थिति आ सकती है, जो लोग फिशरी के काम में है उनको दिक्कत आ सकती है, जो नेवल सेवा है हमारी, नेवल फोर्सेज है डिफेंस की, वहां पे कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। आप देखेंगे जो भी समुद्र के पास रहते हैं उन लोगों की लाइफ में थोड़ी सी इम्बैलेंस हो सकता है, और क्योंकि बुध प्रधान जो ये नक्षत्र है, बुध आपके इंटेलेक्ट पर व्यापार का कारक है, तो आप देखेंगे कि शेयर मार्केट में बहुत उथल पुथल देखने को मिलेगी, गोल्ड के, कॉपर के, पेट्रोलियम के रेट ऊपर जाएंगे, भाव ऊपर जाएंगे, साथ साथ राजनीतिक, क्योंकि सूर्य को सत्ता का कारक, सरकार का कारक भी माना जाता है,
राजनीतिक स्थिति भी देखने को मिलेगी भारत में, जैसे भी चुनावों का मौसम चला हुआ है तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में भी उथल पुथल देखने को मिलेगी। मूल रूप से नींद राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन एक और ज्योतिष का सिद्धांत है कि उच्च भाव में राहु केतु राहु और जो ग्रह है वो कंपैरेटिवली अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वृषभ राशि यानी कि शुक्र प्रधान राशि, मिथुन राशि यानी कि बुध प्रधान राशि, तुला राशि मकर राशि, इन लोगों के लिए ग्रहण काफी शुभ रहने वाला है। विशेष रूप से वृषभ राशि वालों के लिए प्रोफेशनल गेम्स आएंगे, पैसे की इनकम बढ़ेगी, नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा। मिथुन राशि वालों को दक्षिण भाव में ग्रहण लग रहा है, उनको प्रमोशन मिलने की बहुत संभावनाएं है, सारे क्षेत्र में रिकॉग्निशन में अवार्ड मिल सकते हैं। वही तुला राशि वालों के लिए छठे भाव में ये ग्रहण लग रहा है, लीगल अगर कोई डिस्प्यूट उनकी लाइफ में चल रहे हैं तो वहां पे ये पॉजिटिव होगा। अगर कोई रोग से भी पीड़ित है तो रोग का निवारण और विशेष से बाहर आते हुए देखे जाएंगे। मकर राशि जो मीडिया की लाइन में है, मकर राशि के लिए कम्युनिकेशन की लाइन में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लाइन में है, उनको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वालों के लिए ग्रहण मध्य रहेगा, इनको थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों को के पिता की तबीयत में या पिता के साथ मतभेद होने की संभावनाएं दिख रही है। वहीं अगर मैं बात करूं कन्या राशि की तो उनके स्पाउस के साथ यानी कि आपके स्पाउस के साथ पार्टनर के साथ कुछ इश्यू आ सकते हैं, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। बात करें वृश्चिक राशि की तो आपकी संतान को कष्ट में संतान से कष्ट थोड़ा हो सकती है, तो संतान का विशेष रूप से ध्यान रखें। बात करती हूँ मैं कुंभ राशि की, कुंभ राशि वाले के लिए घर में कुछ तरह की स्थिति या आपकी सेविंग में कहीं ना कहीं एक चोट लग सकती है, मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करिए। और आगे मैं बात करती हूँ मीन राशि वाले की, उनको कुछ सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना है, वहां बनाते हुए सावधानी बरतनी है। शासक इंफेक्शन से किसी राहु कहीं ना कहीं इंफेक्शन का कारक बनता है, आपकी राशि में ग्रहण लग रहा है तो इसका विशेष रूप से ख्याल रखना है। जो कई राशि है जिनको विशेष रूप से ख्याल रखना है वो मेष राशि, क्योंकि आपके बारहवें भाव का ये ग्रहण लग रहा है, ये खर्चे की संभावनाएं बढ़ाएगा। अगर आप सारे लाइन में ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो इसमें इश्यूज आएंगे, फूड इंपोर्ट का काम करते हैं तो वहां पे भी परेशानी आने की संभावनाएं बनी हुई है। वही अगर मैं कुंभ राशि की बात करूँ तो लंबी बीमारी चोट लग सकती है, अगर आप अपनी सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो मैं विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों से बोलूंगी, अगर आप इसको 15 दिन के लिए टाल सकते हैं तो बिल्कुल टालिएगा। सर्जरी थोड़ा सा रिस्की हो सकती है इस समय और बीमारी आपको परेशान कर सकती है, और इसके सभी कुछ मौसम की संभावनाएं है। अगर आपकी ग्रह दशाएं शुभ नहीं है, अगर ग्रह दशाएं शुभ है और सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है, राहु केतु की प्लेसमेंट अच्छी है तो इसमें नुकसान नहीं होगा। और तीसरी राशि है जिससे थोड़ा सावधान रहना है वो है धनु राशि, आपके चौथे भाव में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं, माता की सेहत में समस्या आ सकती है, साथ में घर में भी तरह तरह की स्थिति बन सकती है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि ग्रहण एक तरफ अगर विपदाएं आता है तो कहीं ना कहीं अवसर भी देता है, इस समय आप जितना मंत्र जाप करें उतना आपके लिए अच्छा है। तो जो शॉर्ट में मैं राशि वाइज आपको मंत्र बताना चाहूंगी जिसको करने से आपको विशेष लाभ और दान पुण्य क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि मेष वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि है, आपको मंगल का बीज मंत्र या हनुमान जी का बीज मंत्र ओम हम हनुमते नमः का पाठ करना है। साथ में किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर आपके जमीन के उपरांत अगले दिन मंगलवार जी पर लाल छोला हनुमान जी को चढ़ा कर गुरु चने का भोग लगाए और गुरु चना आप विश्रम भी करें। अगली दो राशियां है वृश्चिक और तुला, ये शुक्र प्रधान राशियां हैं, आपको शुक्र के बीच का पाठ करना है ताकि आर्थिक समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको वहां से निवारण हो। ग्रह के उपरांत आप मंदिर में जाके माता लक्ष्मी से 6 कमल के पुष्प अर्पण करें, साथ साथ सफेद चीजों का आप दान करें, किसी सफेद चीजों को हो सके तो कन्याओं को करें, अब जो लक्ष्मी छोटी होती है तो विशेष लाभ मिलेगा।
अगले दो राशियां हैं मिथुन और शनि राशि, ये बुध प्रधान राशियां हैं। आपको बुध के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीन ग्रौ सह बुद्धाय नमः या फिर ओम गण गण तपे नमः मंत्र का जाप करना है। और ग्रहण के उपरांत आपको किसी भी गाय को या गौशाला में जाके हो सके तो 108 की संख्या हो तो बहुत अच्छी बात है, उनको हरी पालक या हरा चारा खिलाना है, साथ में भगवान गणेश को मीठे पान का भोग लगाना है। अगली दो राशियां आती है गुरु प्रधान राशि जो कि धनु और मीन राशि है। आप लोगों को ओम ग्राम ग्रीन ग्राम सह दुर्गे नमः मंत्र का जाप करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, ओम नमो भगवते राशि देवाय मंत्र का जाप करने के उपरांत ग्रहण के उपरांत पीली वस्तुएं मंदिर में दान करनी है, पीले कपड़े पीला अनाज हल्दी दान कर सकते हैं, साथ साथ में आपको भी गाय को गुड़ चना खिलाना है। अगली दो राशियां है शनि प्रधान राशियां यानी कि मकर कुंभ, हालांकि कहीं ना कहीं सारे सती का भी प्रभाव मकर कुंभ राशि के जाप से पर है, तो आप लोगों को विशेष रूप से ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है। ग्रहण के उपरांत आपको पीपल के जड़ों में जल अर्पण करना है, पीपल के नीचे चार मिट्टी दीपक जलाना है और सरसों के तेल और काली उड़द का आपको दान मंदिर में करना है। उसके बाद आपकी कर्क राशि, ये चंद्र प्रधान राशि है, आपको ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करना है ग्रंथ के उपरांत, और अभिषेक करते हुए विशेष रूप से ध्यान रखें कि जल के अंदर काले तिल अभिषेक मिला लें और उसके बाद सफेद चीजों का आप दान कर सकते हैं, दूध दही चीनी ऐसी चीजों का। और अंत में आती है सिंह राशि जो सूर्य प्रधान राशि है, आपको भगवान सूर्य के बीज मंत्र आदित्य दत्तोत्र में गायत्री मंत्र का पाठ करना है। ग्रंथ के उपरांत आपको मंदिर में आटा के साथ गुड़ और गुड़ के साथ तांबे का कोई बात आप दान में दें और साथ साथ हो सके तो अपने पिता को भी कोई ना कोई चीज गिफ्ट करें, ऐसा करने से पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा और सूर्य जो पिता के कारक हैं कहीं ना कहीं आपके प्रसन्न होंगे और आपके जो संबंध है पिता के साथ और अच्छे मधुर होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि ग्रह में हर जाप का हर दान का जो असर है जो 100 गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल आपने बहुत, और मैंने जैसा आपसे राशि के हिसाब से पूछा और मुझे लगता है हर कोई यही जानना चाहता है, आपने पूरी डिटेल से इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं और इस लाइव को जो बाद में देखने वाले हैं उनके लिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साझा की, खासतौर पर सूर्य ग्रहण को लेकर। बहुत शुक्रिया नीति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सूर्य ग्रहण से जुड़े हुए तमाम लोगों के जो सवाल थे उनके। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, अब ऐसे में कई सारी खबरें आपने भी सुन ली होंगी, देख ली होंगी कि कुछ मिनट के लिए अंधेरा छा जाने वाला है और इसका असर बहुत सारे देशों पर भी दिखने वाला है, लेकिन आपके मन में इस सूर्य